भाई नमस्कार। क्या बात, सीधे आ गए आप? ना कोई फोन ना मैसेज। अरे आप मुझे फोन कर दिए होते तो मैं रेलवे स्टेशन गाड़ी भेजता आपको लेने के लिए। अरे भाई मैं ट्रेन से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से आया हूँ। 4 बजे चला था, 6 बजे आपके दरबार में हाजिर। सोचा भाई को सरप्राइज दे दूं। नहीं गाड़ी? हाँ भाई वाह। हाँ भाई कुछ दिन पहले खरीदी है। आइए प्लीज। किसी की गाड़ी मांग के लाया होगा और मुझे बेवकूफ बना रहा है। और बताइए सूरज भाई, घर पे सब ठीक है? आपका बेटा कैसा है? भाई मेरे बेटे ने तो 10वीं पास कर ली है और उसको कोटा भेज रहा हूँ इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। और आपका बेटा भी तो इसी उम्र का है, वो क्या कर रहा है? मेरे बेटे ने भी 10वीं पास की है, उसको आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। आज ये इतना झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हें याद है अपने साथ एक सुरेंद्र दोस्त होता था? हाँ, नाम तो उसका सुरो का इंदर था लेकिन वो हरकतें बेसुरी जैसी करता था, याद है? मीडिया का किड़ा। उसको कुछ भी भेजो तो तुरंत रिप्लाई करता था, कभी गुड, विजय, याद है? कुछ ना कुछ हरकतें करता था। पता है आज वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ उसे? अरे एक बार उसकी पत्नी ने एक्सरे वाली पिक उसे भेज दी, उसने स्मार्ट गिरी में नाइस पिक करके रिप्लाई दे दिया। नाइस पिक, इतनी 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 कुटाई हुई, इतनी मिटाई हुई, क्यों हॉस्पिटलाइज हो गया? सुरु का इंदर बेसुरा। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ होता है। होने को याद आया, तुमने अपने खेतों में इस बार धान की फसल बोई थी, उसकी उपज कैसी रही? हमारी फसल बहुत अच्छी थी, इस बार उपज 30 क्विंटल प्रति एकड़ के लगभग रही है। आपने भी तो अपने खेतों में धान की फसल बोई थी, इस बार आपकी उपज कैसी रही? इस बार मेरी फसल 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हुई है, चौथा मुनाफा हुआ है मुझे और मैंने 2 एकड़ और जमीन खरीद ली है। क्या बात है अर्जुन भाई, आज आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कभी बोलते हो मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ने के लिए, आज तो आप बोलते हो कि 50 क्विंटल प्रति एकड़ मेरा धान हुआ है। ये क्या मसला है भाई, हमने भी अपने धान की फसल की बहुत सेवा की थी, फिर भी 30 क्विंटल प्रति एकड़ ही हुई है। तो तुम्हारी फसल पर कीटों का प्रहार होगा। ये देखो मेरे फसल की फोटो। अरे भाई सूरज, आपकी फसल पर तो भूरा पौधा फुदका और सफेद पीट का पौधा फुदका का प्रहार है, फसल भी पीली पड़ चुकी है। कैसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, ना मुझे ऐसा कुछ नजर आया। ये कीट धान का रस चूसते हैं जिससे पौधा सूख जाता है। ये कीट धान के पौधों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी आबादी खेतों में बड़ी मात्रा में बहुत तेजी से फैलती है। ये कीट 100-125 अंडे देते हैं जिनमें से 7-8 दिनों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं ये तने के निचले भाग में होते हैं। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आई कि मेरी फसल की उपज इतनी कम क्यों थी, और मेरी फसल पर कोई रोग नहीं बल्कि इस पर कीटों का प्रहार था। और हाँ, फसल के पकने के आखिरी दिनों में फसल पीली पड़ जाती है और जब तक किसान को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इनके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? क्या तुमने अपनी फसलों पर पैडी प्रोटेक्टर यानी पेपरों का छिड़काव किया है? पैडी प्रोटेक्टर पेपरो, ये क्या होता है? SPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किसान भाइयों के लिए लेकर आया है पेप्रो। धान की खेती में आने वाले कीटों में सबसे ज्यादा विनाशकारी कीट है भूरा पौधा फुदका और सफेद पीट का पौधा फुदका। इसका मात्र 500 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग
कीटों को जड़ से खत्म कर देता है। तो अर्जुन भाई इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अवैधा वायद पर मेरे सूरज भाई सुनो ध्यान से। पेपरों का इस्तेमाल धान की फसल पर तब करना चाहिए जब फसल 50 से 60 दिन की हो, तभी ये कीट पैदा होते हैं और 60 से 90 दिन के अंदर इनका असर शुरू हो जाता है। इसलिए 50 और 80 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पेपरों का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि ये कीट मर जाए और फसल की वृद्धि हो। भारत में 43.7 मिलियन हेक्टेयर में धान की फसल की खेती की जाती है। 51.7 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में नंबर 1 है। धान की खेती में आने वाले कीटों में सबसे ज्यादा विनाशकारी कीट हैं भूरा पौधा फुदका और सफेद पीठ का पौधा फुदका। इसकी रोकथाम के लिए SPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किसान भाइयों के लिए लेकर आया है पेप्रो, धान का रक्षक। पेप्रो का रिश्ता हुआ जब धान से, भूरा फुदका जाएगा अब जान से।